तो दोस्तों आज आप इस वीडियो में देखेंगे कुछ अत्याधुनिक फर्नीचर्स और कुछ अविश्वसनीय टूल्स जिनके कारण आज के समय में घरों में रहना या फिर दफ्तर में काम करना पहले से कहीं अधिक आरामदेह एवं सरल हो गया है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को मिस ना कर दें। एल्सस स्टेप लिफ्ट। इस अद्भुत और अविश्वसनीय सीढ़ी की खासियत जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल इस सीढ़ी के बिल्कुल पैर वाले स्थान पर एक खास प्लेटफॉर्म इससे जोड़ा गया है जिसके ऊपर आप खड़े होकर एक एस्केलेटर की तरह नीचे से ऊपर बिना किसी प्रयास के जा सकते हैं। इस खास लिफ्ट नुमा आविष्कार को दरअसल उन लोगों के लिए बनाया गया है जो किसी कारणवश सीढ़ी पर चढ़ नहीं सकते, जिनमें बुजुर्ग और अपाहिज मुख्यतः होते हैं। मगर इस सीढ़ी को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है अगर करना चाहता है अपनी जरूरत के हिसाब से। बोरिस रोकर। पहली नजर में विचित्र सी दिखती यह आकृति संभवतः सोचने पर मजबूर कर देगी कि इसे किस प्रकार प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन जैसे ही यह शख्स इस आकृति को एक तरफ नीचे झुकाता है तो यह एक आराम करने के लिए लंबी सीट का रूप ले लेती है जिसके ऊपर आप बैठकर और टांगे पसार कर लंबे समय तक आराम कर सकते हैं। इस खास डिजाइन वाले फर्नीचर को इस प्रकार बनाने की असली वजह यह थी कि जब इसे प्रयोग में नहीं लाया जा रहा हो तो यह कमरे के अंदर खड़े होकर एक अद्भुत आकृति के रूप में कमरे की खूबसूरती को और अधिक बढ़ा दे। नूनी। पहली नजर में इस विचित्र से टूल को देखकर आपका दिमाग थोड़ा चकरा सकता है, मगर इसकी कार्यशैली उतना ही अधिक आपको रोचक लगेगी। यह टूल दरअसल टांगों के साथ बांधा जाता है और जिसका प्रयोग फैक्ट्रियों में काम करने वाले कारीगर खड़े खड़े बैठ पाएं उसके लिए करते हैं। इस टूल को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इसमें लगी नोब की मदद से आप इस टूल की टांगों को अपनी लंबाई के हिसाब से एडजस्ट करके बिना किसी तकलीफ के इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े ही सरल तरीके से टांगों में पहने जा सकने वाला यह टूल लंबे समय तक खड़े होकर काम करने वाले कारीगरों को आराम तो देता ही है, जिसके फलस्वरूप वे थकते भी कम हैं और कार्य को अधिक एकाग्रता के साथ भी कर पाते हैं। जॉय राइड। संभव है इस प्रकार की कुर्सी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। यह कुर्सी एक कमाल के हाइड्रोलिक सिस्टम पर काम करती है। जैसे ही आप इस कुर्सी के ऊपर बैठते हैं तो इस कुर्सी की सीट थोड़ा नीचे चली जाती है और पीछे से आपकी पीठ को सहारा देने वाला इस कुर्सी का एक भाग अपने आप ऊपर उभर आता है, जिससे यह कुर्सी पूरी तरह आरामदेह हो जाती है। इस कुर्सी को आप अपनी जरूरत के हिसाब से किसी भी जगह किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यही नहीं, यह कुर्सी दिखने में भी काफी आकर्षक नजर आती है। एक्लेक्टिका। घर के अंदर फोल्ड हो सकने वाली ऐसी अनोखी सीढ़ी निश्चय ही आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। यह कमाल की सीढ़ी केवल एक विशाल एवं मजबूत सरिये की धुरी पर फिक्स होती है। यह सीढ़ी बिजली से संचालित होती है। जैसे ही आप इस सीढ़ी के लिए लगाए गए स्विच को ऑन करते हैं तो यह बड़े ही मजेदार तरीके से खुलकर नीचे से ऊपर या फिर ऊपर से नीचे आने के लिए एक माध्यम प्रदान करती है सीढ़ी के रूप में। यही नहीं, जब इसे फोल्ड कर दिया जाता है तो यह घर में एक विशाल ड्रॉअर वाली अलमारी के रूप में भी इस्तेमाल की जा सकती है।
इन ड्रॉर के अंदर आप कोई भी सामान रख सकते हैं अपनी जरूरत का, जिसके कारण यह सीढ़ी आपकी दो जरूरतों को पूरा तो करती ही है, साथ ही साथ अपने आकर्षक डिजाइन के कारण यह घर की शोभा भी बढ़ा देती है। फ्लैट बेड विद बिग स्टोरेज। यह विशाल बेड देखने में आपको स्वाभाविक ही थोड़ा ऊंचा जरूर प्रतीत होगा, और जिसकी वजह है इसके नीचे बनाया गया खास स्टोरेज स्पेस। जैसे ही आप इस बेड के ऊपर वाले भाग को उठाते हैं तो इसके अंदर एक विशाल स्टोरेज वाली जगह दिखने लगती है, जहां आप एक अलमारी में रखने जितना सामान बड़े ही आराम से इस स्टोरेज में रख सकते हैं। यही नहीं, इस बेड के आगे की तरफ भी कई ड्रॉर होते हैं सामान रखने के लिए। इस खास बेड को कमरे में रखने पर यह आपकी अलमारी की आवश्यकता को पूरा कर सकता है। इस बेड के पीछे की तरफ छोटी सी सीढ़ी भी लगी होती है, और जो कि आवश्यक है इस विशाल बेड के ऊपर चढ़ने के लिए। लिबार्ड। एक हल्के से दबाव से बंद हो सकने वाली यह शीशे की खिड़की अनेकों तरीके से उपयोग में लाई जा सकती है। अपने बेहद साधारण आकार और कार्यविधि के कारण इन्हें उपयोग में लाना बड़ा ही सरल होता है। इन्हें आप हर उस जगह इस्तेमाल कर सकते हैं जहां आप ग्रिल या किसी अवरोध का इस्तेमाल करते हैं सुरक्षा के लिए। इन्हें ऊंची ऊंची छतों या फिर बालकनियों में भी लगाया जाता है, ताकि जरूरत पड़ने पर इन्हें सुरक्षा के लिहाज से ऊपर किया जा सके। श्रिंकेबल सोफा। अक्सर कई घरों में जगह की तंगी होती है, जिसके चलते ऐसे फर्नीचर भारी मांग में रहते हैं जिन्हें फोल्ड किया जा सके, तो उसी खास जरूरत को पूरा करता है यह सोफा। इस सोफे में लगी सीट की संख्या को आप अपनी जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। इस सोफे की सीट को हटाकर आप उन्हें इसी सोफे के नीचे वाली जगह में रखकर तीन सीट वाले सोफे से दो सीट वाला सोफा बना सकते हैं। यही नहीं, आप इस सोफे को दो सीट वाले सोफे से एक सीट वाला सोफा भी बड़े आराम से बना सकते हैं। और जब आपको तीन लोगों को बैठाना हो तो पुनः इसे खोलकर तीन सीट वाला सोफा बना सकते हैं, और वो भी बेहद कम प्रयास और कम समय में। मेबल वीटो। इस कमाल के सोफे को आप कई अनेकों तरीकों से अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आप इसके आगे लगी रस्सी को खींचते हैं तो इसके पीछे वाला भाग आगे की तरफ आ जाता है और एक अच्छे खासे डाइनिंग टेबल का रूप ले लेता है। इसके बाद जब इसके ठीक नीचे वाली जगह को खींचा जाता है तो सामान रखने के लिए ड्रॉर उभर आते हैं, और जिसके बाद इस सोफे के सीट को खोलकर इन ड्रॉर के ऊपर रखा जाता है तो यह एक छोटे बेड का रूप ले लेता है, जिसके ऊपर आप टांगे पसार कर बड़े आराम से बैठ सकते हैं। और इसके बाद अगर पुनः इसे फोल्ड करके सोफे का रूप देना हो तो वह भी बड़ी सरलता से किया जा सकता है। ओजियो इटालिया। इटली की एक कंपनी द्वारा बनाया गया यह खास फर्नीचर दरअसल अपने फोल्ड हो सकने की खासियत के कारण कहीं पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप देख सकते हैं इस महिला के टीवी के नीचे इस फोल्ड फर्नीचर को बाहर निकाल लेने के बाद बेहद कम प्रयास में ही उसे एक अच्छे खासे डाइनिंग टेबल का रूप दे दिया जाता है। यही नहीं, बैठने के लिए कुर्सियां भी इस कमरे में ठीक टीवी के पीछे रखी गई हैं, जिन्हें आप बड़ी सरलता से बाहर निकाल कर डाइनिंग टेबल के साथ प्रयोग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अपने सरल एवं फोल्ड डिजाइन के कारण यह कमाल का फर्नीचर कभी भी घर के अंदर छुपाया जा सकता है या फिर प्रयोग में लाया जा सकता है बेहद कम प्रयास के द्वारा।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। और हाँ दोस्तों, आप हमारे दूसरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें नए नए गैजेट्स और आविष्कारों से संबंधित जानकारी पाने के लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।